भारत और मेजबान ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। दोनों टीमों की कोशिश सिडनी में 7 जनवरी से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट मैच में जीत दर्ज कर सीरीज में बढ़त हासिल करने की होगी। इस मैच से रोहित शर्मा भी मैदान पर वापसी करेंगे। दरअसल आईपीएल के दौरान चोटिल होने की वजह से वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम का हिस्सा नहीं थे, वहीं शुरुआती 2 टेस्ट मैच भी नहीं खेल पाए थे। तीसरे टेस्ट मैच से पहले रोहित को भारतीय टीम का उपकप्तान भी बनाया गया है, जिसे तय हो गया कि वो तीसरे टेस्ट में खेलेंगे ही खेलेंगे। हालांकि इसके बाद सवाल उठने लगे कि वो ओपनिंग करेंगे या फिर मिडिल ऑर्डर पर बल्लेबाजी करेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो सिडनी में रोहित ओपनिंग करेंगे और वो खराब फॉर्म में चल रहे मयंक अग्रवाल की जगह लेंगे। खबरों की माने तो रोहित पिछले मैच से टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले शुभमन गिल के साथ पारी का आगाज कर सकते हैं। मयंक अग्रवाल ने अभी तक पिछले 2 टेस्ट मैचों में थोड़ा सा खराब प्रदर्शन किया है, जबकि शुभमन गिल ने डेब्यू करते हुए मेलबर्न में पहली बार 45 रन बनाए, जबकि दूसरी पारी में वो नाबाद 35 रन बनाकर नाबाद रहे। बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा अब मैदान पर वापस आ चुके हैं, तो अब अगर रोहित शर्मा आपकी टीम में शामिल हैं तो आप उन्हें प्लेइंग 11 से ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रख सकते हैं। यही वजह है कि हिटमैन का प्रदर्शन अब काफ़ी जानदार तरीके से होगा। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।